परीक्षा रद्द को लेकर याचिका दायर करना, कोई साथ नहीं दिया वरना जीत हमारी ही होती। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही दुखद भरी खबर लाए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि याचिका दायर करने के लिए सारे फॉर्मेलिटी को निभाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो साथ नहीं देने के कारण यहाँ पर केस मजबूत नहीं हो पा रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह पूरा वीडियो देखें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वे सभी भी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आएं और साथ देने पर कोशिश करें, ताकि जीत हमारी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरी बात। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आप सभी के पास दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने दिए थे कि सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने के लिए जा रहे हैं, इसमें कौन कौन साथ देंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, मात्र जो है 446 स्टूडेंट ने ही वोट दिया, यानी कि सिर्फ 446, जिसमें से कुछ कैंडिडेट जो ऐसे हैं जो कि कुछ कैंडिडेट दोस्तों ऐसे हैं जो कि कुछ ने साथ पूरा देने का बात कहा गया और कुछ ने साथ देने का बात नहीं कहा गया। अगर इसके बारे में अगर और हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों डिटेल्स में कि सिर्फ और सिर्फ जो है कितने परसेंट लोग साथ देना चाहते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर साथ देना चाहते हैं। मात्र जो है दोस्तों 445 लोग ही वोट दिए। यहाँ पर दोस्तों 445 लोग में 75% जो है मैं साथ दूंगा, जरूरत पड़ने तो मैं आपके साथ आऊंगा, ओनली फॉर 20% कैंडिडेट आने के लिए तैयार, साथ देना चाहते हैं लेकिन आना नहीं चाहते। और जो 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल भी साथ नहीं जाना चाहते, मैं उन सभी का नाम यहाँ पर नहीं जिक्र करना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर नहीं देना चाहते, क्योंकि उन सभी का नाम लेकर दुखी हम किसी के दिल पर ठोस पहुँचाना नहीं चाहते। उसके बाद दोस्तों अगली जो इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी आप सभी के लेकर, सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पर रेड कलर का बटन को दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जुड़ जाए, ताकि आने वाला हर प्रकार का वीडियो आनंद पूर्वक से देख पाइएगा। अगली हमारे जो नोटिफिकेशन जो थी, सभी विद्यार्थियों को प्रमोट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी करने जा रही है, लेकिन इसमें कम से कम 1000 विद्यार्थियों का नाम होना चाहिए, जिसमें अपना इनरोलमेंट नंबर और नाम और कोर्स होना चाहिए, कौन कौन अपना डिटेल देने के लिए तैयार है। तो मात्र जब डिटेल जब मांगा गया तो मात्र देखिए 274 कैंडिडेट मात्र वोट दिए। 274 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि या तो कुछ कैंडिडेट देना चाहते हैं और कुछ कैंडिडेट जो है नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर हमने पूरी के पूरी आंकड़ा यहाँ पर आकलन किएगी, क्योंकि जब हमने यहाँ पर वकील से जब एडवोकेट से बात किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया गया है कि केस को मजबूत करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का जो है सिग्नेचर होना चाहिए, लेकिन आप सभी दूर दराज से आते हैं तो आकर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम वे बोले कि उन सभी का नाम, इनरोलमेंट नंबर और कौन से कोर्स से बिलोंग करते उसका डिटेल पूरा पेज में लिस्टेड होना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट होंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा केस को मजबूत होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ आम खाने के लिए खुश रहे कि कोई पका के आम दे दे बस हमें खाना, लेकिन कोई ये नहीं चाहते कि पेड़ को रोपे, उसमें पानी डालें, फिर पेड़ को बड़ा करें, फिर आम को खाएं, कोई ऐसा नहीं चाहता है। कोई चाहता है, सबको चाहता है कि मेरा पका हुआ आम मिल जाए, किसी तरह से हम खा लेंगे। तो दोस्तों ये दुनिया थोड़ी सी गोल है, ऐसी कोई भी चीज़ को आसानी से नहीं मिलती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 274 कैंडिडेट, यहाँ जो 274 कैंडिडेट जो वोट दिए, जिसमें से 85% कैंडिडेट जो ऐसे हैं जो कि अपना डिटेल देने के लिए तैयार है।
तो यहाँ पर 274 का 85% आप खुद ब खुद निकाल दीजिए कि कितने कैंडिडेट तैयार है अपने डिटेल देने के लिए, और मैं अपना डिटेल नहीं दे सकता है चाहे मुझे एग्जाम भी देना क्यों ना पड़े। तो 15% ऐसे स्टूडेंट है जो कि एग्जाम देने के लिए तैयार है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोरोना हो चाहे नहीं हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन 15% स्टूडेंटों को। तो यहाँ पर बता दें दोस्तों आप सभी के, यहाँ पूरी दुनिया में 1,03,000 कैंडिडेट अभी कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, पूरी दुनिया में 1 करोड़ हो चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी ये 2 करोड़ तक भी यहाँ पर पहुँचने वाले, मरने वाले की संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी। तो ये जो 15% जो कैंडिडेट हैं उन्हें थोड़ा सा भी अपने जान का, अपने परिवार का, अपने घर वाले का, अपने दोस्त का डर नहीं है, जो कि ये सारे कैंडिडेट जो है परीक्षा देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं किसी का नाम को यहाँ पर ले लें, लेकिन जो हमारा जो भी किए हैं तो वे सभी समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर है कि कोई यहाँ पर साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। नीचे कमेंट करें इस वीडियो के नीचे कि कौन कौन साथ देने के लिए तैयार है। कम से कम दोस्तों 1,000 कैंडिडेट यहाँ पर अपना डिटेल कम से कम मांगा जा रहा है, 1,000 कैंडिडेट होना चाहिए। 1,000 से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 1,000 से कम नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट लिखिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाए परीक्षा रद्द को लेकर या नहीं किया जाए। अगर इस वीडियो में कम से कम 10,000 अगर लाइक आ जाता, इस वीडियो में 10,000 कम से कम अगर लाइक कर देते हैं तो समझ जाएंगे कि आप सभी तैयार हैं याचिका दायर करने के लिए, और इसमें कितने कितने कौन कौन स्टूडेंट जो है परीक्षा अपना जो है डिटेल देने के लिए तैयार है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे। और इस वीडियो को जो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास हमारा जो वीडियो है पहुंच नहीं पा रहा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हमारा वीडियो को आप सभी शेयर करें और पहुँचाएँ, और सभी को साथ देने के लिए यहाँ पर आने के लिए मजबूर करें ताकि परीक्षा जो है सभी मिलकर जो है यहाँ पर रद्द करवा सकते हैं। सिर्फ अकेले, सिर्फ आपके चाहने पर या आपके एक दो साथी को चाहने पर परीक्षा रद्द नहीं हो सकते, या सिर्फ हमारे चाहने से परीक्षा कैंसिलेशन नहीं हो सकता। यहाँ पर सभी को एकजुट होना पड़ेगा। तो अगर 10,000 कैंडिडेट अगर इस वीडियो को लाइक कर देते तो समझ जाएंगे कि आप सभी जो 10,000 कैंडिडेट जो यहाँ पर तैयार है, तो 10,000 में से सिर्फ 1,000 कैंडिडेट को अपना डिटेल देना है। तब कौन कौन देना चाहते हैं वो सारे कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर छोड़िएगा। तो साथ दे दीजिए दोस्तों, अगर परीक्षा सच में रद्द करवाना चाहते हैं, सच में परीक्षा नहीं हो तो साथ जरूर दीजिए। ऐसी कोई भी बनाया हुआ खाना नहीं मिलता है यहाँ पर, याद रखिएगा। सोचिए कि मात्र 274 लोग ही अभी तक वोट को दे पाए, और यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर 10 लाख 20 लाख भी कैंडिडेट जो है इग्नू में पढ़ते हैं, क्या उसमें से क्या 1 लाख भी आदमी आके वोट नहीं दे पाए? कम से कम अपनी राय तो दे सकते। मान लेते कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, तो राय तो आके तो दे सकते थे, एक बार जो है अपना डिटेल के लिए कमेंट तो कर सकते। यहाँ पर हम किसी का तो नाम नहीं लेने जा रहे, लेकिन हाँ यहाँ पर यह चीज़ देखने से लगता है कि हाँ चलिए सभी को यहाँ पर तैयार, ये देखने से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई किसी को कोरोना से कोई किसी को डरे नहीं, किसी को तो कोई मतलब ही नहीं, परीक्षा हो चाहे नहीं हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें आप सभी का ही लॉस है, हमारा कोई लॉस नहीं है। अगर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इग्नू थोड़े लेगी। पूछ सकते हैं आप कि अगर हमें कोरोना हो जाएगा तो क्या आप मेरी जिम्मेदारी लेते हैं? कितने परसेंट गारंटी देते हैं कि हमें कुछ भी हो जाएगा तो आप इसकी पूरे जिम्मेदारी लेते हैं? कोई भी नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि आपको जो है साथ देने के लिए। ये दुनिया गोल है, सभी दुनिया में जितने भी लोग मतलबी है सब अपने काम से मतलब रखते हैं। जिस दिन आपसे आपका काम हो जाए उस दिन दोस्ती यारी और रिलेशनशिप सब खत्म, बस आप ठीक रहिएगा तो दुनिया में सब कोई ठीक रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर मिलजुल कर रहे, क्योंकि यह जो है अकेले करने वाली बात नहीं। अगर यहाँ पर अकेले करने वाली बात रहते तो हम अकेले आप सभी के लिए कर सकते थे, या आप खुद ब खुद अकेले कर सकते थे। और अलग अलग यहाँ पर एडवोकेट ये भी बात बोलते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग फाइल ना करें,
उससे आपके केस को और ढीला पड़ सकता है। इससे अच्छा है कि सभी लोग एकजुट हो और एक ही साथ बड़ा से बड़ा फाइल करें, ताकि जो है उसको जो है ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा से ज़्यादा केस को जो है मजबूत हो। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और अपनी आवाज़ उठाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।